क्या हुआ था उस दिन जब एक ही शक्ल के दो लोग लेवनवर्थ की जेल में जा पहुंचे थे। लेवनवर्थ जो कि यूएस की एक सिटी है और वहां की जेल में दो ऐसे लोग जिनकी शक्ल एकदम सेम, आंख कान नाक फेस कलर हाइट हेयर स्टाइल और यहां तक कि नाम ऑलमोस्ट सेम। इस वाले का नाम विल वेस्ट और इस वाले का नाम विलियम वेस्ट। क्यों लगे ना सेम? नहीं, एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लगते दोनों सेम है पर ये दोनों अलग अलग। पर कैसे हुआ ये? क्योंकि ना तो ये दोनों पिछले जन्म और अगले जन्म के करण अर्जुन है और ना ही इस जन्म के जुड़वा। इनफैक्ट ये दोनों तो मिले ही पहली बार जेल में थे, तो थे कौन वो दोनों जिन्होंने लेवनवर्थ की पूरी जेल को कंफ्यूजन से ही कंफ्यूज कर रखा था। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि ये जो फिंगरप्रिंट वाला फोन यूज करते हैं ना, वो समझ लो इन्हीं की देन है। और जो आज तक सरकारी कागजों में सियाई से उंगलियों के निशान छापे हैं, तो वो उंगलियां भले ही हमारी हो पर इन फिंगरप्रिंट्स के पीछे इन्हीं दोनों का तो हाथ है। तो क्या फिंगरप्रिंट्स की खोज इन्हीं दोनों की वजह से हुई थी? जाने अनजाने में जानदार काम कर गए दोनों। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जेल जाने के बाद इतनी तारीफें सुनने को मिलेंगी। तो ऐसा हुआ क्या था उस दिन जब ये दोनों आमने सामने आए? डेट थी 1 मई 1903। एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का जिसका नाम था विल वेस्ट, वो एंटर हुआ यूएस की एक जेल में जो कि लेवनवर्थ में थी। बस अब जो होने वाला था, दैट वॉज लिटरली शॉकिंग। जैसे सभी कैदियों की तरह विल का भी एक स्टैंडर्ड एडमिशन प्रोसीजर हुआ, क्योंकि उस टाइम 1903 में जेल में डालने से पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता था, फोटोग्राफ्स लिए जाते थे और 11 एंट्रोप्रोमेट्रिक मेजरमेंट्स, मतलब इंसान को 11 तरह से मेजर किया जाता था। तो लेवनवर्थ की जेल के क्लर्क ने भी विल को पूरा खोल के रख दिया। ओके, क्योंकि जेल का वो क्लर्क कन्फर्म था कि ये आदमी तो पहले से ही जेल में कैद है, क्योंकि विल वेस्ट के सभी फिजिकल मेजरमेंट्स विलियम वेस्ट से हूबहू मैच कर रहे थे जो पहले से ही उस जेल में मर्डर की सजा काट रहा था। और वो बेचारा विल वेस्ट मना करता रहा कि भाई मैं तो जेल में पहली बार आया हूँ। उसका डर डबल। हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंफ्यूजन का दी एंड तब होता जब अंदर छिपे विलियम वेस्ट को भी बुलाया जाता एंड द पजल सॉल्व। दो आदमी जिनके नाम भी सेम और फिजिकल भी डिक्टो सेम, अब इनको पहचान कर अलग अलग करने में वो सारे मेजरमेंट भी फेल हो चुके थे जो आज तक यूज किए जाते थे। और फाइनली इन दोनों की असली पहचान होने वाली थी फिंगरप्रिंट से। कंपेयर किया दोनों के फिंगरप्रिंट्स को, होपफुली केवल फिंगरप्रिंट्स ही थे जो दोनों में अलग अलग थे, बिल्कुल अलग। और यहाँ से फिंगरप्रिंट्स की वैल्यू का पता चला, नहीं तो हो जाना था जेल के आधे स्टाफ को ऐसे ही पागल कि विल और विलियम शक्तिमान और गंगाधर की तरह एक नहीं अलग अलग हैं। और तब से सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स में फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट सिस्टम यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे पता चले कि कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। वैसे यूट्यूब में भी फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है, पता था तुम्हें इसके बारे में? इस सब्सक्राइब वाले बटन को अगर तुम अपने फिंगर के प्रिंट से दबाते हो तो इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का प्रिंट तुम्हारी फिंगर के नीचे होगा। देखना फिर मजे से। सबसे पहले